बड़वानी जिले के ठिकरी के पास एबी रोड पर वरिष्ठ समाज सेवी मेधा पाटकर और केंद्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष एमडी चौबे श्रमिकों और प्रवासी मजदूरों को सही सलामत रेल सेवा और सड़क परिवहन मार्ग से जल्द उनके घर गांव पहुंचाया जाए, इसी मुद्दे पर कुछ महत्वपूर्ण मांगों को लेकर 9 बजे से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इस अनशन को लेकर कल पूरे दिन प्रशासन हरकत में दिखा, लेकिन हमें जिन ठोस निर्णयों की शासन से अपेक्षा की थी वो निर्णय शायद नहीं लिए गए, इसलिए इस अनशन पर भूख हड़ताल को जारी रखा गया है। हम देश के समस्त सामाजिक संगठनों के बुद्धिजीवी प्रमुखों और कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं कि भले ही वो लॉकडाउन के चलते घर से निकलने में सक्षम नहीं है, लेकिन अपने अपने घर में एक दिन का अनशन जरूर करें, जिससे कि देश के इन मेहनतकश मजदूरों के अधिकारों के आंदोलन को मजबूती मिले और देश की राज्य सरकारों तक हमारे मजदूर भाइयों की आवाज पहुंच सके। कसरावास से अकील खान के साथ सलीम खान की रिपोर्ट। सभी को सादर प्रणाम। सबसे पहले आप सब लोगों को ये बताते हुए बड़ा हमें दुख हो रहा है कि वास्तव में आज जो स्थिति श्रमिकों की हम अपनी आंखों से देख रहे हैं वो कतई ही संवैधानिक दायरे में नहीं है। उनका जो हनन हो रहा है, श्रमिकों के साथ में जो अन्याय हो रहा है वो बिल्कुल ही गैर संवैधानिक है। हमारा ये उपवास का जो स्थल है ये ना ही किसी राजनीतिक पार्टी का विरोध कर रहा है, ना ही किसी जनप्रतिनिधि का विरोध कर रहा है। हम ये संदेश देना चाहते हैं इस उपवास के स्थल से कि जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, जिसे हम मजदूर वर्ग कहते हैं, श्रमिक वर्ग कहते हैं, आज से नहीं पिछले 10 या 15 दिन से संपूर्ण भारत में उनके ऊपर जो जिस तरह प्रकार का प्रहार हो रहा है, जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसका कोई भी समर्थन नहीं कर सकता है। जैसे कि दीदी ने कहा, दीदी के सानिध्य में हम सामाजिक कार्यकर्ता लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस पंडाल में आप श्रमिकों को देख सकते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि साथियों को देख सकते हैं, सामाजिक सेवाओं को देख सकते हैं। हमें किसी तरह की पब्लिसिटी की आवश्यकता नहीं है। दीदी ने सारा जीवन अपना सामाजिक कार्यों के लिए गुजार दिया है। हम लोगों ने भी तकरीबन 20-22 साल हो गए हैं, कॉलेज के फर्स्ट ईयर से हम लोग सामाजिक कार्य कर रहे हैं। हमें अपनी आंखों के सामने जो नज़ारा दिखा, जो दुख तकलीफें दिखी, उसको सरकार सत्ता तक पहुंचाने के लिए उपवास स्थल हमने स्थापित कराया। साथियों, 24 घंटे का हमने एक अल्टीमेटम शासन को देने के लिए उपवास किया, लेकिन उसमें कुछ ऐसी सकारात्मक चीज़ें हमें नहीं दिखाई दी, हमें ऐसा कुछ आश्वासन दिखाई नहीं दिया, इसलिए हमने इस उपवास को कंटिन्यू करने का सोचा। दीदी ने कहा 48 घंटे के लिए, पुनः हम इसको बढ़ा रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि सरकार की नुमाइंदगी करने वाले जो बड़े अधिकारी हैं, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जो हमेशा जनता के साथ जुड़े रहते हैं, उनसे हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो भी बाहर आकर कम से कम इन मजदूरों की आवाज़ को उठाए। हमें कोरोना से घबराना नहीं है, हमें कोरोना से लड़ना है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।